नमस्कार, आज मटर का पराठा बनाएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। मटर पराठा बनाने के लिए एक कटोरी गेहूं का आटा छान के लिया हुआ है, 3 बड़े चम्मच बेसन, ये ऑप्शनल है, बेसन डालना चाहे तो डाल सकते हैं वरना अवॉइड कर सकते हैं। और ये हरी मटर के दाने हैं लगभग 3-4 चम्मच, लाल मिर्च पाउडर टेस्ट के हिसाब से, या लगभग आधा चम्मच मैंने लिया है, आप हरी मिर्च भी ले सकते हैं। और ये नमक टेस्ट के हिसाब से, या लगभग आधा चम्मच से थोड़ा सा कम लगेगा। और ये हरे चने हैं, छोलिया जिसको बोला जाता है, लगभग 1 बड़ा चम्मच लिया है मैंने। हरा धनिया है 1 बड़ा चम्मच, आप इसकी जगह पे पुदीना ले सकते हैं या मेथी ले सकते हैं बारीक बारीक काट के। तो चलिए शुरू करेंगे। अब सबसे पहले मटर के दाने और ये हरे चने, इनको पीसना है थोड़े से पानी के साथ में, तो लगभग 3-4 चम्मच पानी डाल लें ताकि आसानी से पीस जाए, पेस्ट बनानी है इसके। ये पेस्ट हमारी तैयार हो गई है। अब डो तैयार करेंगे किसी भी पराठे के अंदर या बॉल के अंदर। सबसे पहले गेहूं का आटा, साथ में बेसन और नमक, लाल मिर्च पाउडर, हरा धनिया बारीक कटा हुआ, और अब ये पेस्ट मटर की और चने की जो हमने बनाई है ये इसके अंदर। आप इसमें चाहें तो प्याज भी डाल सकते हैं, प्याज इसके अंदर पीस लें मटर के साथ में, लहसुन डाल सकते हैं, जो भी चीज़ आप डालना चाहें डाल सकते हैं। और अब इसको अच्छे से पहले मिक्स करेंगे और उसके बाद में सादा पानी लेके इसका एक डो तैयार करेंगे। नॉर्मल जैसे हम रोटी का डो बनाते हैं वैसा ही एक डो हम तैयार कर लेंगे। और लीजिए डो हमारा तैयार हो गया, और इसको रख देंगे, अब थोड़ा रेस्ट देंगे लगभग 10 से 15 मिनट तक, ताकि पराठे हमारे अच्छे से सॉफ्ट बने। आप इसकी रोटी भी बना सकते हैं या पराठे बना सकते हैं, यहाँ पे मैं पराठे बनाने जा रही हूँ। चलिए अब बनाना शुरू करेंगे। सबसे पहले गैस ऑन करके तवा गर्म करेंगे और साइड में थोड़ा सा प्लेट में सूखा आटा डस्टिंग के लिए रख लेंगे और बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले पेड़ा बनाएंगे, कोई भी साइज, ज़्यादा पतले बनाना चाहें तो आटा कम लें, थोड़ा सा मोटा बनाना चाहें तो ज़्यादा आटा। इस तरीके से पेड़ा बनाएं और उसके बाद में इसको बेल लेंगे हल्के हाथ से। आप चाहें तो गोल रख सकते हैं या कोई भी शेप। मैं इसके ऊपर थोड़ा सा घी लगा के इस तरीके से थोड़ा सा फैला देंगे, और फिर एक फोल्ड इधर से, दूसरा थोड़ा सा घी ऊपर ताकि अच्छे से क्रिस्पी बने, एक फोल्ड इधर और एक फोल्ड इधर। और अब फिर से सूखा आटा लगा के इसको बेल लेंगे। और तवा भी गर्म हो गया हमारा, डाल देंगे बेलने के बाद सीधा तवे के ऊपर, और जब तक एक तरफ से नीचे से सिक रहे दूसरा बना लेंगे। और अब इसको पलट देंगे, पलटने का ये पता चल जाएगा आपको, ये छोटे छोटे बबल्स ऊपर दिखाई दे रहे होंगे, और किसी भी चिमटे से या स्पैचुला से पलट देंगे। ये देखिए अच्छे से पिंक कलर इसका हो गया। अब इसके ऊपर लगा देंगे, आप चाहें तो घी लगा सकते हैं, चाहें तो तेल लगा सकते हैं, मैं यहाँ पे लगा रही हूँ घी। फैला देंगे और पराठे को हमेशा तेज आंच के ऊपर ही सेकें ताकि अच्छा सा क्रिस्पी हो जाए। और अब इसको पलट देंगे और दूसरी तरफ भी घी लगाएंगे। पलट पलट के दोनों तरफ से इसको सेक लेंगे, और जब तक वो सिक रहे दूसरा बना लेंगे। साथ में तवे के ऊपर भी नजर रखेंगे, उसको बराबर पलटते रहें। ये देखिए एक तरफ से अच्छा सा सिक गया, और जब तक ये दूसरा तैयार कर लेंगे वही घी लगाएंगे इसके ऊपर थोड़ा सा,
और इस बार बनाने जा रही हूँ तीन कोने का तिकोना इस तरीके से। एक फोल्ड इधर और एक फोल्ड इसके ऊपर और फिर से सूखा आटा और इसको बेल लेंगे और साथ में संभाल लेंगे इसको। ये देखिए अच्छे से सिक चुका है, इसको उतार लेंगे किसी भी प्लेट के ऊपर और रख लेंगे। और जब तक हम बेलेंगे तो गैस को कम कर देंगे ताकि तवा हमारा बहुत ज़्यादा गर्म ना हो जाए। और अब इसको बेल लेंगे हल्के हाथ से और इसको भी पलट पलट के दोनों तरफ से अच्छे से सेक लेंगे और इसी तरह से तैयार कर लीजिए। मटर के पराठे हमारे तैयार हो गए हैं, किसी भी अचार के साथ में आप इसको सर्व कर सकते हैं, दही ले सकते हैं साथ में या चाय ले सकते हैं। इंजॉय करें मटर पराठा।